नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 के नए लक्षण से सावधानी की जरूरत के बारे में। कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हर दिन आ रहे मामलों ने आम नागरिकों के साथ साथ स्वास्थ्यकर्मी और पूरे देश की चिंता बढ़ा रखी है, जिसके बाद अब चिकित्सकों ने नए सिरे से लोगों से खास अपील की है, जिसके तहत कोविड-19 के वर्तमान स्वरूप को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के नए लक्षणों को लेकर एक सूचना जारी की है। सूचना के अनुसार कोविड-19 के नए लक्षण पाए गए हैं, जिसमें मरीजों को तेज बुखार, सूखी खांसी, गले में दर्द, बंद नाक, स्वाद और सूंघने की क्षमता में कमी, भूख में कमी, सिर में दर्द, सांस लेने में समस्या, शारीरिक कमजोरी, लाल आंखें तथा आंखों में जलन, हाथ पांव में कमजोरी, पेट में दर्द, उल्टी आना, डायरिया तथा पेट संबंधी समस्याएं तथा पेट में सूजन आना, खाना पचाने में समस्या होना, चीजों को भूल जाना, नींद न आना, कफ में खून के रेशे आना, खून में ऑक्सीजन की कमी होना, खून में प्लेटलेट्स कम होना। इस बाबत डॉक्टर रंगना युकुल बताते हैं कि इन लक्षणों के नजर आते ही बिना समय गवाए तुरंत चिकित्सीय सलाह और जानकारी जरूरी है। हालांकि मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए या नहीं, यह पूरी तरह से उसकी अवस्था पर निर्भर करता है, लेकिन यह लक्षण नजर आने पर इलाज तथा हर परिस्थिति में बचाव के लिए तरीके अपनाने बहुत जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोविड-19 की दूसरी लहर पहले से ज्यादा गंभीर असर दिखा रही है। संक्रमण के फैलने की रफ्तार और शरीर को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की क्षमता के कारण लोगों पर इसका डर काफी हावी है। कोविड-19 के लक्षणों की बात करें तो पहले के मुकाबले संक्रमण के नए लक्षणों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। इनमें लक्षणों के मरीज में सिर दर्द, बदन में दर्द, कब्ज और पेट संबंधी समस्याएं समेत कई अन्य निशानियां देखने को मिल रही है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान नजर आ रहे इस नए लक्षणों तथा वर्तमान परिस्थिति में स्वास्थ्य की देखभाल तथा संक्रमण से बचाव के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस बारे में सारी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कोविड-19 से बचाव के लिए ही नहीं, बल्कि कोविड-19 होने पर ना सिर्फ मरीज तथा उनके परिजनों के लिए कुछ बातों को अपनाया जाना बेहद जरूरी है। मन में तथा बातों में सकारात्मकता बनाए रखना, साथ ही शारीरिक दूरी बनाए रखें, टीकाकरण अवश्य करवाएं, हमेशा मास्क पहने, यदि संभव हो तो दो मास्क एक साथ पहने और घर और बाहर दोनों जगह मास्क पहनकर रहे। ऐसा भोजन ग्रहण करें जो सुपाच्य होने के साथ ही शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण भी करता है। नियमित तौर पर योग, मेडिटेशन तथा एरोबिक्स जैसे व्यायाम का अभ्यास किया जाए। वातानुकूलित कमरे में खिड़की और दरवाजे को पूरी तरह से बंद ना रखें। एक या दो लक्षण नजर आने पर भी तुरंत अपनी जांच करवाएं। ध्यान रहे, कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के तुरंत बाद सबसे पहला काम जो किया जाना जरूरी है वो है घर में ही क्वारंटीन होना। इसके चलते मरीजों को एक अलग कमरे में सब परिजनों से दूर रखना चाहिए। यह कमरा हवादार होना चाहिए। यदि मरीज की देखभाल के लिए किसी व्यक्ति को रखा जा रहा है तो किसी मध्य आयु वाले व्यक्ति का ही चुनाव करना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज के शरीर के तापमान, उसके पल्स रेट तथा रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की नियमित जांच जरूरी है। साथ ही जरूरी है कि मरीज इन सभी जानकारियों को नियमित तौर पर अपने चिकित्सकों के साथ साझा करे और उनके द्वारा बताई गई दवाइयों को सही समय पर ले। इसके अलावा घर में क्वारंटीन मरीजों को मास्क पूरे समय पहनाकर रखना चाहिए, जिसे हर 8 घंटे पर बदलना चाहिए। इसके साथ ही कोविड-19 मरीज द्वारा नियमित रूप से इस्तेमाल की जा रही वस्तुओं का सैनिटाइजेशन भी बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त मरीज द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों के कचरे में भी अलग रखना चाहिए। डॉक्टर रंगना युकुल बताते हैं कि 85-90% मामले में मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता होती ही नहीं है। कोविड-19 के डर के चलते आजकल बहुत से लोग बिना चिकित्सीय सलाह के विभिन्न प्रकार की जांच करवाने लगते हैं, जो कई बार गैर जरूरी भी होती है। मरीजों के लिए बहुत जरूरी है कि बगैर चिकित्सीय सलाह के सीने का सिटी स्कैन ना करवाए, क्योंकि यह 500 एक्सरे के बराबर होता है और शरीर पर कई बार उल्टा असर भी डालता है। जरूरत इस तरह की जांच कई शारीरिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। इसके साथ ही डॉक्टरों की यह भी सलाह है कि खून को पतला करने वाली दवाइयां और स्टेरॉइड भी चिकित्सक की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। तमाम नियमों और निर्देश का पालन करने के बावजूद बुखार में कमी नहीं आना, सीने में दर्द होना तथा सांस लेने में समस्या होने पर चिकित्सक की सलाह के उपरांत तुरंत पास के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। कोविड-19 के इस माहौल में डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी की ज्यादा जरूरत है। तब तक के लिए धन्यवाद।